कोरोना महामारी में लंबे समय तक चले लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी। दिहाड़ी मजदूरी से लेकर दुकानदार घर बैठे आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। आम आदमी को राहत दिलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर घरसाना एएन कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल और SFI प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लो सहित कई मजदूर मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं तहसील स्तर के ऊपर कि पिछले कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन के अंदर आम आवाम पूरी तरह अपने अपने घरों में बंद थे। ऐसे हालात के अंदर लोगों का रोजगार पूरी तरह ठप हुआ है, मजदूर का काम ठप हुआ है, किसान की हालात बस से बदतर हुई है। हमारी पूरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये मांग है कि 3 महीनों का जो बिल है, किसान का कृषि और आम घरेलू कनेक्शन का जो बिल है वो पूरी तरह माफ किया जाए। ये बिल किसी भी सूरत में मजदूर है, छोटा मोटा दुकानदार है, आम आदमी भरने में असक्षम है। इसलिए आने वाली जो तारीख को सरकार के जो एक मैसेज गया है कि बिजली के बिल के लिए कनेक्शन काटेंगे, हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि हम किसी भी सूरत में कनेक्शन नहीं कटने देंगे। अगर कोई कनेक्शन काटेगा और कनेक्शन काटने की हिमायत करेगा तो हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे।